बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने साक्षी पुस्तक का पाठ 7 अच्छा इंसान बनूंगा पढ़ा। हमने पढ़ा कि जब डब्बू से घर में कोई भी पूछता कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो इस प्रश्न का हर बार वह अलग उत्तर देता था। कभी वह पुलिस वाला बनना चाहता था, फिर उसने विमान चालक बनने का सोचा, लेकिन दुर्घटना के डर से उसने विमान चालक बनने का विचार छोड़ दिया। फिर उसने रेल चालक बनने की सोची, वह स्वयं इंजन बन जाता और बाकी बच्चों को डिब्बे बनाकर अपने पीछे लगा लेता था। उसकी इस बात पर सब खुश हो जाते थे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। इस तरह उसके बाल मन में न जाने कितने ही विचार आए और चले गए। डॉक्टर, अध्यापक, क्रिकेटर, डाकिया, नर्तक, अभिनेता, आइसक्रीम वाला, दूध वाला, दुकानदार, न जाने क्या क्या बनने के विचार उसके मन में आए और चले गए। एक दिन डब्बू चिड़ियाघर देखने गया। वहाँ उसने अनेक जानवर देखे। हिरणों को चोकड़ी भरते देख डब्बू बहुत प्रसन्न हुआ। बस फिर क्या था, डब्बू सोचने लगा, मैं तो हिरण ही बनूंगा। अब वह घर भर में छलांगे भरता हुआ दौड़ लगाने लगा। सभी उसे देखकर खूब हंसते थे। बच्चों, इसमें बताया गया है कि डब्बू के मन में डॉक्टर, अध्यापक, क्रिकेटर, डाकिया, नर्तक, अभिनेता, आइसक्रीम वाला, दूध वाला, दुकानदार, ना जाने क्या क्या बनने के विचार आए और चले गए। अब एक दिन डब्बू चिड़ियाघर देखने गया। चिड़ियाघर में आपको पता है कि बहुत सारे जानवर होते हैं। वहाँ उसने अनेक जानवर देखे। उसने वहाँ पर हिरणों को देखा और हिरणों को छलांगे भरते देखकर वह बहुत खुश हुआ और उन्हीं की तरह ही दौड़ लगाने लगा। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार हैं: डॉक्टर, अध्यापक, क्रिकेटर, चिड़ियाघर, छलांगे। बच्चों, अब हम पाठ आगे पढ़ते हैं। डब्बू अपनी मस्ती में डूबा हिरण की तरह दौड़ने में लगा रहता। उसके सिर पर हिरण बनने का भूत जो सवार था। एक दिन डब्बू पार्क में छलांगे लगाता हुआ दौड़ रहा था। यह देखकर एक व्यक्ति ने उसे रोका और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? डब्बू ने कहा, मैं बड़ा होकर हिरण बनना चाहता हूँ, इसलिए उसकी तरह दौड़ना सीख रहा हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, तुम इंसान से जानवर क्यों बनना चाहते हो? जानवर तो हर इंसान में होता ही है, तुम उसे मारकर अच्छा इंसान क्यों नहीं बनते? यह कहकर वह आदमी चला गया। डब्बू सोचने लगा, इंसान में जानवर होता है, मुझ में कौन सा जानवर है? वह मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? वह सोचता रहा, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आया। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब से डब्बू ने चिड़ियाघर में हिरणों को देखा, तब से उसने सोचा कि मैं तो बड़ा होकर हिरण ही बनूंगा। अब वह सारा दिन हिरणों की तरह ही दौड़ लगाने लगा, उनकी तरह ही छलांगे लगाता, क्योंकि उसके सिर पर हिरण बनने का भूत जो सवार था, अर्थात उसके सिर पर
हिरण बनने की ही धुन लगी हुई थी। एक दिन डब्बू ऐसे ही पार्क में छलांगे भर रहा था, तभी एक व्यक्ति वहां आया और उसने उससे पूछा कि डब्बू तुम क्या कर रहे हो। डब्बू ने कहा कि मैं तो हिरण बनना चाहता हूँ, इसीलिए हिरण की तरह ही दौड़ना सीख रहा हूँ। तब उस व्यक्ति ने डब्बू से कहा कि तुम तो इंसान हो, इंसान से जानवर क्यों बनना चाहते हो, जानवर तो हर इंसान में होता है। तब डब्बू को यह बात सुनकर बहुत अजीब सा लगा कि इंसान में जानवर होता है, अगर इंसान में जानवर होता है तो मुझ में कौन सा जानवर है, वह मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। डब्बू बहुत देर तक इस बारे में सोचता रहा, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार हैं, पार्क, दौड़, व्यक्ति, जानवर, समझ। बच्चों आओ अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। घर जाकर उसने दादाजी को पार्क वाली घटना बताई और पूछा, दादाजी क्या सभी इंसानों में जानवर होता है? अगर हाँ तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? दादाजी मुझ में कौन सा जानवर है? न जाने कितने ही सवाल उसने एक साथ पूछ डाले। दादाजी ने उसे समझाया, बेटा सभी इंसानों के अंदर अच्छाई और बुराई छिपी होती है। अच्छाई की अपेक्षा बुराई लोगों को अपनी ओर जल्दी आकर्षित करती है। कुछ लोग बुराई के रास्ते पर चल पड़ते हैं और सबके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उनमें दया ममता का भाव नहीं रहता, वे जानवर के समान बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक इंसान के अंदर जानवर होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बुराई को छोड़ अच्छाई के रास्ते को अपनाता है और सबकी भलाई की बात सोचता है तो वह अच्छा इंसान बन जाता है। अब डब्बू ने ठान लिया कि वह बड़ा होकर कुछ भी बने, पर पहले अच्छा इंसान बनेगा। बच्चों, इसमें बताया गया है कि डब्बू ने घर जाकर अपनी पार्क वाली सारी बातें दादाजी को बताई कि दादाजी क्या सभी इंसानों में जानवर होता है, अगर होता है तो मुझ में कौन सा जानवर है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। ना जाने एक एक करके कितने ही सवाल उसने अपने दादाजी से पूछ लिए। तब दादाजी ने डब्बू को समझाया कि बेटे सभी इंसानों के अंदर अच्छाई और बुराई छिपी होती है, लेकिन अच्छी बातों की अपेक्षा बुराई लोगों को अपनी ओर जल्दी आकर्षित करती है। कुछ लोग बुराई के रास्ते पर चल पड़ते हैं, बुराई के रास्ते पर चलकर वे सबके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ना तो उनके मन में किसी के लिए दया की भावना होती है और ना ही ममता की भावना होती है। वे सबके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक इंसान के अंदर जानवर होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई बुराइयों को मार देता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, सबकी भलाई की बात सोचता है, तो वह अच्छा इंसान बन जाता है। दादाजी की बातें सुनकर डब्बू ने ठान लिया कि वह बड़ा होकर कुछ भी बने, पर वह अच्छा इंसान अवश्य बनेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि बड़े होकर हम
जो कुछ भी बनना चाहते हैं, चाहे अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अभिनेता हैं, या अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं हम अवश्य करें। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छा इंसान बने। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार हैं, घटना, अच्छाई, आकर्षित, व्यवहार, प्रत्येक, बुराई। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार हैं, इंसान, मनभावन, इरादा, पैराशूट, पुलिस वाला, विमान चालक, काल्पनिक, विचलित, घटना, व्यवहार, वायुयान, चिड़ियाघर, डॉक्टर, दुर्घटना, डिब्बा। बच्चों, आप भी इन शब्दों को बोलकर इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखें और इन कठिन शब्दों के श्रुतलेख का लिखित अभ्यास करें। बच्चों, अब हम पाठ में आए शब्दार्थ को दोहराते हैं। शब्दार्थ इस प्रकार हैं, नंबर एक, इरादा। इरादा का अर्थ है संकल्प। नंबर दो, विमान चालक। विमान चालक का अर्थ है पायलट। नंबर तीन, मन भावन अर्थात प्यारा। नंबर चार, काल्पनिक अर्थात वास्तविकता से दूर। नंबर पाँच, विचलित अर्थात घबराया हुआ या अस्थिर। नंबर छः, पैराशूट। पैराशूट का अर्थ है एक प्रकार की छतरी जिसके सहारे से ऊंचाई, विशेषतः विमान से नीचे उतरते हैं। नंबर सात, भूत सवार होना अर्थात किसी काम को करने की धुन सवार होना। नंबर आठ, ठान लेना अर्थात किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय। बच्चों, आप भी इन शब्दार्थ को पढ़ें और इन्हें याद करें।